मैं सभी दर्शकों से और अपने उत्तराखंड के वासियों से कहें, जहाँ भी पिक्चर लगती है आप जरूर जाइए, क्योंकि ये उत्तराखंड वाले ने बनाई है। सही बात जी, बिल्कुल सही बात है, एक बड़ी बात कोशिश है। और पहाड़ में शूटिंग होनी चाहिए इसी तरह की हिंदी फिल्मों का भी, पहाड़ को एक अच्छा मार्केट बनेगा यहाँ पर। चलो चलो सीधे चलो, चलते रहेंगे। धागे 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 रहेंगे धागे। हाँ, पॉप पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात ये है कि मूवी में पूरा उत्तराखंड के ही परिवेश उत्तराखंड का ही है और उत्तराखंड को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई है। जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा है? बिल्कुल वैसा है। पहले हमें लगा कि कुछ सीन्स हमारे उत्तराखंड के होंगे, बाकी प्लेन्स का दिखाएंगे, बट देखा कि पूरी स्टोरी ही उत्तराखंड के ऊपर थी। चलिए मैम, मिलते बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमा नेगी करासी भी हैं यहाँ पर। हेमा मैम, कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर मूवी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारा उत्तराखंड को फिल्मांकन हिंदी मूवी में, हिंदी प्लस गढ़वाली जो मिक्स रण जो, वो बहुत अच्छा लगे। वो कन लगी आप तो जो मैं गाने बात करूँ, जो वो गीत गाना बहुत अच्छा लगी। मैं भी कंफ्यूज होगी कि गाना मैं गाना कि कोई और गाना है ना, हमको भी यही कन्फ्यूजन हुआ था। जो वो गीत है गढ़वाली फोक पहला, वाकई वो गाया उन्होंने, जिन्होंने भी गाया, भले उनका नाम मेंशन नहीं है, होना चाहिए था, बट बहुत अच्छा गाया उन्होंने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और लोगों से भी मिलते हैं अभी, तो राज भी हमारे साथ है। राज, कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। मैं थोड़ा लेट आया, बट पूरा नहीं देख, मतलब स्टार्ट नहीं देख पाया, लेकिन एक्सपेक्ट किया था वो मिला। हाँ, अच्छी मूवी थी। हाँ। जितना मतलब मुझे लगा था कि मतलब उसकी मतलब क्या बनी होगी मूवी, लेकिन स्टोरी अच्छी थी, प्लान पे थी, और एक मैसेज था जो अधूरा प्यार। अधूरा प्यार राज का भी है। सोबन भाई को भी नहीं मिला। राज भाई को मिला? अभी तो मैं तो कुमार ही हूँ, अभी तक देखते हैं आगे। चलो मैं कब आ रहा हूँ। चलिए और लोगों से भी मिलते हैं। तो नेगी जी भी हमारे साथ हैं, अभी फिल्म देख कर निकले। सर, कैसी लगी फिल्म? बढ़िया बढ़िया है, अच्छा सब्जेक्ट है, और थोड़ा पहाड़ का लोकेशन उन्होंने रखी है, और ठीक है। जितना सोचा था आपने जब हमने देखा था ट्रेलर? जी तो हाँ, ट्रेलर से तो पता नहीं लग रहा था, लेकिन ये है अच्छी कोशिश है, और पहाड़ में शूटिंग होनी चाहिए इसी तरह की हिंदी फिल्मों का भी, पहाड़ को एक अच्छा मार्केट बनेगा यहाँ पर, अगर हिंदी के लोग भी अगर आते हैं, हिंदी फिल्मों के लोग इधर आते हैं, और पहले भी आए हैं। सही बात, ऐसा नहीं है, पहले भी आए हैं, तो हमारी लोकेशन यहाँ का जो नेचुरल सौंदर्य है वो एक्सपोज होना चाहिए, सारी दुनिया को पता लगना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ नेगी जी थे, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं अभी, तो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। जी कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लगी। सबसे बढ़िया सभी उत्तराखंड की वो सब बढ़िया है, सब बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग उधर लगी? ठीक लगी, ठीक लगी। क्या लगी सबसे बढ़िया? कैरेक्टर है आपने बढ़िया पसंद? हम सबका तो सबका कैरेक्टर बहुत पसंद आया है। हमारे सोहन उनियाल जी अच्छे लगे, जो उनियाल जी भी अच्छे लगे, बिल्कुल सही बात है। एक बहुत बड़ा प्रयास भी है, देखिएगा किस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो भी एक बड़ी बात है। तो अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे, आपको बताते हैं किस तरह चल रहा है ये। मोनू मेरे भाई, कैसी लगी फिल्म फिलहाल? बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। जैसे कि फिल्म का आपको पता ही कि हफ्ते 10 दिन से जो डंका बज रहा था धागे का, मान गए इस फिल्म को। सल्यूट करता हूँ मैं सोहन उनियाल जी को। अलग सोच, बहुत अलग सोच है, और जितने भी सीन देखे सब में उत्तराखंड की जो वैली देखी वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, सीरियसली। और सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा लगा? सबसे पसंदीदा कैरेक्टर ऑब्वियसली मेरी तो फेवरेट हीरोइन है। मेरे को हीरोइन का जो एक्टिंग नेचुरलिटी लगी और जो कॉमिक जो रोल था उनका, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं, जिन लोगों ने भी देखा अब तक, कमाल की बातें की हैं इसके बारे में। अब आगे देखते हैं लोगों का क्या कहना है। देखिए पीवीआर में हम अभी, और पीवीआर में तमाम लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। तो अब हमारे साथ है घनानंद गन्ना जी, कैसी लगी जी फिल्म? मैं फिल्म आपके बुलाने से आया हूँ। अच्छा। क्योंकि आज चार पत्रकार जो थे उन्होंने इस फिल्म का इतना बढ़िया प्रमोशन किया कि हमने कहा जब ये सारे चारों बोल रहे हैं तो आना चाहिए। मैं आया तो बाप रे बाप, यहाँ तो इतना भीड़ थी,
कि कोई पहचान के मिल गए तो मैं घुसी के अंदर। कोई पहचान के इतने सारे लोग आपको जो भी रुक रहा है वो इनको पहचाने बिना अंदर नहीं जा रहा, अंदर टिकट वाले। अच्छा, तब मुझे नहीं, पर एक चीज है, हमने जो प्रमोशन किया वो गलत नहीं था सर, नहीं। आज जितने भी लोग, पहला शो भी बड़ा हाउसफुल गया ये वाला। और आपकी जो पत्रकारिता है उसका तो कोई जवाब नहीं है, आप अपने आप में एक सिंगर हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों को आप उठाते हैं उत्तराखंड के, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, चलिए, आपको भी फिल्म पसंद आई, वो एक अच्छी चीज़ थी। बाद में आप बोलते कि आपको बुलाया और फिर ऐसा। मैं सभी दर्शकों से और अपने उत्तराखंड के वासियों से कहें, जहाँ भी पिक्चर लगती है आप जरूर जाइए, क्योंकि ये उत्तराखंड वाले ने बनाई है। सही बात जी, बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी बात यहाँ पर किस तरह से फिल्म बनी है और उसके बारे में हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तमाम यहाँ पर लोग जो जुड़े आज PVR में, जो मूवी देखने आए थे उन्होंने भी चीज़ें देखी हैं। सोहन उनियाल का काम वाकई बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, और सुबह भी हमने देखा था काफ़ी भीड़ थी, और अब भी काफ़ी हद तक वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो जुड़े तो एक बार फिर से देखिएगा सोहन उनियाल यहाँ पर। सर, सेकंड शो PVR का पहला शो, और जनता दिखी रही है। सर, ये उत्तराखंड का प्यार है और उत्तराखंड के भाई के लिए प्यार है, क्योंकि मेरी जो हिंदी मूवी धागे आई, आपने सुबह देखा होगा सिल्वर सिटी में भी अच्छा रिव्यू मिला। सिल्वर सिटी के तीनों शो बुक हैं, यहाँ के कल और संडे को शायद कुछ सीटें बची हुई हैं, अगर नहीं देखी तो फटाफट बुक कर दो। जादू बहुत अच्छा हुआ, नहीं दरअसल कहानी बहुत अच्छी प्लॉट की हुई है। ये एक्चुअली पलायन का दर्द भी है इसमें, और कुछ हिंदी गढ़वाली, और जो इसमें पहला सॉन्ग है गढ़वाली, उससे भी काफ़ी उत्तराखंड के लिए आकर्षण का कारण है। मेरे उसमें भैजी बहुत अच्छा लगा, भैजी। मैं तो छोटा रोल कर रहा हूँ उसमें, लेकिन जो गुलशन ने रोल किया बहुत ही अच्छा, यूनिक, और एक लव स्टोरी, और पलायन का दर्द भी, और मेरे आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया। आपको पहली बार ऐसा हुआ होगा उत्तराखंड में एक लव स्टोरी ऐसी आई? नहीं, बिल्कुल, हमने सोचा भी नहीं था, यकीन मानिएगा, हम सोच रहे थे एक मूवी आने, यकीन मानिएगा सर, अब तक हम सोच रहे थे एक मूवी आ रही है और नॉर्मल मूवी आएगी, हमें नहीं पता था इस तरह से ये छोड़ जाएगी। और जब एंडिंग होती है, क्लाइमेक्स, तो वाकई मतलब स्पीचलेस है, बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं है सर। सर, जो पहला प्यार इसमें दिखाया गया ना, हर आंख नम होके आई है, क्योंकि पहला प्यार आपको भी होगा चौहान जी, और हम तो बता नहीं सकते भी कैमरे के सामने। चलिए, तो फिर जुड़ेंगे, लोकार्पण हमेशा तहकीकात में रहेगा। अभी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अपनी टिकटें फटाफट जाके बुक करा दो, और आपसे जुड़ेंगे और बताते रहेंगे किस तरह से रिव्यू जा रहा है, और अगर नहीं देखी है तो बुक माई शो फटाफट। थैंक यू सो मच, वेरी मच।